please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. SC/ST एक्ट के मुद्दे पर विरोध झेल रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि राज्य में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा, पूरी जांच के बाद ही किसी मामले में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि राज्य में सभी वर्गों को बराबर का सम्मान मिलेगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC/ST हो या अल्पसंख्यक हो, सबके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सबकी समस्याओं का समाधान होगा। आशंका है तो उसको भी हम दूर करेंगे। मैंने कहा है SC/ST एक्ट के बारे में भी कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होगा। आपको बताते हैं कि आखिर SC/ST एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। एक्ट पर केंद्र के संशोधन का विरोध हो रहा है और विपक्ष ने भी इस पर निशाना साधा है सरकार पर। एमपी यूपी बिहार में सवर्णों से जुड़े संगठनों का विरोध इसको लेकर के देखने को मिला है। 6 सितंबर को एक्ट के विरोध में भारत बंद भी बुलाया गया था और इसका असर भी दिखाई दिया था। दरअसल शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। एक्ट में अग्रिम जमानत की प्रावधान करने की भी मांग की गई है और इसी को लेकर के लोग गुस्से में है, सवर्ण समाज के लोग। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और इसी को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। केंद्र ने संविधान संशोधन कर एक्ट को पहले जैसा कर दिया है और इसी को लेकर के अब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और SC/ST एक्ट को लेकर के सरकार बैकफुट पर है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के एक मायने तो निकलते हैं कि चुनाव का साल है और एक जो बड़ा वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, अपर कास्ट है, उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लग रहा है कि जो SC/ST एक्ट का जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का नुकसान होगा, बीजेपी की सरकार को नुकसान होगा। और इसी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कहा गया कि हम जो जांच के बाद ही कोई गिरफ्तारी होगी। लेकिन बड़ा सवाल अब यही पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो कह रही थी, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो उससे इत्तेफाक रखते हैं और जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी, तो उसके बाद फिर अगले बिल की जरूरत क्या थी। बिल्कुल मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल गौड़ ने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज के साथ न्याय नहीं होने पर वो बीजेपी से नाराज है और अगर जल्द उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई तो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल गौड़ ने महाभारत का जिक्र किया और न्याय न मिलने की हालत में महाभारत के युद्ध का उदाहरण भी दिया। उन्हीं के वोटरों से हम जीतते हैं, सामान्य वर्ग के वोटरों से। वो हमारे विरोधी नहीं है, वो हमसे इसलिए नाराज है कि तुम न्याय नहीं कर रहे। जैसे भीष्म पितामह खामोश बैठे रहे और जुआ होता रहा, क्या हुआ, युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसका अंत अच्छा नहीं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी नेता। हितेश जी, बाबूलाल गौर का जो बयान सामने आया है, यानी कि बीजेपी के लिए अपने ही मुश्किल खड़े कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा आप समझ रही हैं और वो बयान भी दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है। पर चूंकि मेरा ये विषय नहीं है, ये विषय हमारे वरिष्ठ नेताओं का विषय है, तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरी पार्टी इस पर कोई वक्तव्य या निर्णय नहीं बनाती है। तब तक आप इसकी विवेचना अपने स्वयं स्तर पर कर सकती है। लेकिन हितेश जी, जो बाबूलाल गौर का बयान सामने आया है, देखा गया कि SC/ST एक्ट को लेकर के जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि जांच के बाद ही इस पर गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल। तो फिर इसमें तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। मैं इसमें दो तीन बातें स्पष्ट कर देता हूँ, शायद उससे चीजें और स्पष्ट होंगी। नंबर एक, जो एट्रोसिटी एक्ट की मूल भावना है उसके अनुरूप संविधान में संशोधन करके उसको पुनर्स्थापित किया गया है कि उसमें किसी प्रकार का डाइल्यूशन नहीं हो, जिससे कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसके खिलाफ जब अत्याचार होता है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं हो, नंबर एक। नंबर दो, जो अनारक्षित वर्ग की मुख्य चिंता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो इसके प्रावधान भी एक्ट में हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसको प्रारंभिक जांच कहते हैं। हितेश जी,
जो बातें आप बता रहे हैं वो सब जान रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, चाहे शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया है या फिर बाबूलाल गौर जो बयान कह रहे हैं कि बीजेपी को नतीजे भुगतने होंगे, इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले ऐसे बयानबाजी? शायद मैं उसी पर कहने जा रहा था, तो क्या बेहतर सेकंड में कंप्लीट कर सकता हूँ? जी जी धन्यवाद। तो एक्ट में ही पर्याप्त प्रावधान है जिससे कि उसके मिसयूज को रोका जा सके, और ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी एक्ट हो, चाहे डॉरी एक्ट हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, इनके मिसयूज को रोका जाए, दुरुपयोग को रोका जाए, इसलिए प्रारंभिक जांच के प्रावधान होते हैं जब भी एप्लीकेशन मिलती है। तो हम उसको और मजबूती से सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश पर हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। नितेश जी आप हमारे साथ बने रहिए इस वक्त, मुकेश नायक कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश जी, जो ये देखा गया है कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के सरकार बैकफुट पर है, और अब बाबूलाल गौर का ये बयान आया है कि बीजेपी को नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, एससी एसटी एक्ट को लेकर और आरक्षण को लेकर, दो विषयों को लेकर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में एक भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हो पाया है, इसलिए कि जब हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पदोन्नति में दलित आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाए, तब राज्य सरकार ने ना तो ठीक से वकील खड़े किए, न ही अपना पक्ष ठीक से रखा, और सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाकर हैंड अप कर। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, तो मध्य प्रदेश में एक भी कर्मचारी का ना एस सी का ना सामान्य वर्ग का कोई पदोन्नति 5 वर्षों में नहीं हुई। नितेश जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक आरोप है, और उन्होंने दो बातें जो आपने कही थी और उनने भी कही, उससे तीसरी बात को पैदा कर दिया। पहली चीज आरक्षण के प्रावधान की बात है जो मजबूत प्रावधान है और होना चाहिए, दूसरी बात एट्रोसिटी एक्ट में सपाट। चलिए, इस पर सियासत भी हो रही है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों के ऐलान के बाद बौखलाए आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। बीती रात आतंकियों ने बड़गाम के एक इलाके में बने पंचायत घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना को मिलाकर बीते 5 दिन में आतंकी 10 पंचायत घरों को निशाना बना चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष अंकित बसोया की डिग्री पर घमासान थमता नहीं दिख रहा। एबीवीपी के अंकित बसोया पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के लिए अब एनएसयूआई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और टीयू प्रशासन पर एबीवीपी और उनके आकाओं से मिलीभगत कर एनएसयूआई को अध्यक्ष पद मिलने से रोकने के लिए मामले को लटकाने का आरोप लगा दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन हाथ धो के पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार हाथ धो के पड़ी कि जैसे तैसे ये 2 महीने का जो टाइम फ्रेम है वो क्रॉस हो जाए। यही नहीं, एनएसयूआई ने अपने उम्मीदवार सनी चिल्लर को अध्यक्ष पद दिए जाने के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया। सनी चिल्लर शुड बी द प्रेसिडेंट फॉर मुसू, यूनिवर्सिटी शुड डिक्लेयर आफ्टर फ्रॉम मंडे वी विल बी ऑन रोड्स एंड वी विल गो फॉर एजुकेशन। इससे पहले एनएसयूआई ने अंकित बसोया पर तमिलनाडु की तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री के आधार पर दाखिला लेने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया था और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। मध्य प्रदेश के विदिशा में सामाजिक तालमेल की अनूठी मिसाल देखने को मिली। मध्य प्रदेश के विदिशा में सामाजिक तालमेल की अनूठी मिसाल पेश करते हुए एक ही जगह पर गणपति की प्रतिमा और मोहर्रम का ताजिया स्थापित किया गया। लखनऊ में मोहर्रम के समय कुछ बच्चों समेत कई लोग दहकते आग के अंगारों पर चलते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के काल भैरव मंदिर से भगवान भैरव की शाही सवारी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। यूपी के गोरखपुर में वोडाफोन के एक स्टोर में 7.5 लाख रुपए की लूट की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़के के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में खुदाई के समय ब्रिटिश काल के कुछ हथियार मिले, जिनकी जांच पुलिस ने पुरातत्व विभाग से करवाने की बात कही। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने छापेमारी में एक आदमी के घर से विदेशी शराब की 6900 बोतलें बरामद की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धसान नदी के कुर्रा घाट में अचानक पानी आने से गाय चराने गए एक बुजुर्ग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने उत्तर कोरिया में एक पवित्र पहाड़ पर एक साथ तस्वीर खिंचवाई। दोनों नेताओं की मुलाकात उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने के लिए थी, लेकिन पवित्र पहाड़ पर ली गई दोनों की तस्वीर को दोस्ती के नए दौर का आगाज माना गया, क्योंकि कोरियाई लोक कथाओं के मुताबिक पाइकू नाम के इस ज्वालामुखी पहाड़ पर ही कोरियाई सभ्यता का जन्म हुआ था।
इसलिए दोनों नेताओं ने वहां पहुंचकर दोस्ती का पैगाम दिया। दोनों नेताओं ने अपनी पत्नियों के साथ पवित्र पहाड़ की तीर्थ यात्रा की। इसी पहाड़ के नीचे वो झील भी है जिसे स्वर्ग की झील माना जाता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बड़ी श्रद्धा से उसका पानी एक बोतल में भर लिया। पवित्र पहाड़ की यात्रा के बाद वो अपने देश रवाना हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के साथ मौजूद किम जोंग उन ने विदाई दी। सोल पहुंचकर मून जे इन ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार खत्म करने पर राजी है। तो किम जोंग उन उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया आने को तैयार है। 50 के दशक में हुए कोरिया युद्ध के बाद दोनों देशों में लड़ाई खत्म करने का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए मून जे इन ने यह भी इरादा जताया कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर कोरिया युद्ध को खत्म करने का ऐलान करवाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार में सीटों के बंटवारे का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई, लेकिन इस बातचीत के दौरान क्या तय हुआ, बीजेपी ने इसे अभी भी राज रखा है। बिहार में मिशन 40 है, 40 की 40 सीट एनडीए जीते, कौन कहां लड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहीं सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर जेडीयू ने भी साफ कर दिया कि बिहार में उनकी पार्टी सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता करेगी। हमारे नेता ने साफ तौर में कह दिया कि सम्मानजनक समझौता हो गया राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, कि मामला कहां बनता है, याचना करने नहीं गए हैं। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू बिहार में बीजेपी के बराबर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, लेकिन बीजेपी की तरफ से जेडीयू को 12 सीटों का ऑफर दिया गया। इसके अलावा जेडीयू को झारखंड और यूपी की एक एक सीट का भी ऑफर दिया गया। उधर जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर फंसे पेज की खबरें सामने आने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर तंज कसते हुए उन्हें मजबूर करार दे दिया। कल अमित शाह जी के पास उनको ठहनिया देने का और गुड़पड़िया करने का क्या आवश्यकता पड़ा, क्या दरकार था। एनडीए के बीच मची अंदरूनी खींचतान पर कांग्रेस भी निशाना साधने से नहीं चुकी। तो ये जो बार्गेनिंग हो रहा है, मैं समझता हूँ इस रूप से कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की लाचारी और बीजेपी के समक्ष उनके आत्मसमर्पण को प्रदर्शित करता है। विपक्ष ने सीट बंटवारे के बहाने एनडीए में बिखराव की भी भविष्यवाणी कर दी। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के एक जंगल में बवंडर की तरह लगी आग में फंसकर दमकल कर्मियों का पाइप हवा में उड़ गया। इस जंगल में गर्मी और तेज हवा की वजह से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बवंडर का रूप ले लिया और उसे बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों का पाइप हवा में उड़ने लगा। इस पाइप को नीचे खींचने के लिए एक दमकल कर्मी कड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन आग की लपटें आसमान में 60 मीटर तक ऊंची उठ रही थी, जिसकी वजह से पाइप को नीचे लाना मुश्किल हो गया। इस बीच एक और दमकल कर्मी ने अपने साथी की मदद शुरू कर दी, हालांकि तब तक आग की आंच से पाइप पिघल गया। बीते जून से ब्रिटिश कोलंबिया के पास करीब 2000 जगहों पर जंगलों में आग धधक रही है, जिन्हें बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद ली जा रही है।